कानपुर में मामूली घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने मौत को गले लगा लिया। 15 लोगों के खाना बनाने को लेकर इंजीनियर पति और टीचर पत्नी में झगड़ा और मारपीट हुई। पत्नी ने जब इस बात की शिकायत पुलिस से की तो पति ने सुसाइड कर लिया। जांच के दौरान पति और पत्नी पक्ष के लोग पोस्टमार्टम हाउस में आपस में भिड़ गए। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़ा गया बदमाश रामोतर उर्फ बंटी करीब 2 साल से मनाखुरी के जंगलों में छिपा था। आरोपी पुलिस और डकैत केशव गुजर गैंग से हुई मुठभेड़ में भी शामिल था, जो उसके बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश से एक अवैध बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। यूपी के जालौन में सौतेली नाबालिग बेटी को पिता ने हवस का शिकार बनाया। उसकी हरकत जब बेटी ने अपने दादा को बताई तो दादा ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के साथ धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को जेल भेज दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर सीमा पर आरिफ नाम के शख्स के पास खेतों में ड्रोन से आया एक सफेद रंग का बड़ा पैकेट, जिसमें हथियार और मैगजीन थी। वहीं खेत के दूसरे मजदूर ने अपने मालिक को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ को बुलाया गया। इलाके में छानबीन करने के बाद पुलिस ने सफेद पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गांव में बच्चे से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। गांव के युवक ने ही टॉफी के बहाने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्चे का शोषण इतनी बेरहमी से किया कि मासूम बेहोश हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्चा जब किसी तरह होश में आया तो खून से लथपथ घर लौटा और घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी। बच्चे का इलाज किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई। ओडिशा के चांदीपुर में समुद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने के वक्त गोली लगने से एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि दूसरा मछुआरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मछुआरों को डीआरडीओ के परीक्षण रेंज के नो एंट्री जोन में प्रवेश करने की वजह से गोली मार दी गई। परीक्षण रेंज एक अच्छी तरह से तैयार केंद्र है, जो रॉकेट, मिसाइल और एयरबोर्न हथियार प्रणाली के लिए लॉन्च सुविधाएं देती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला पुलिसकर्मी ने डकैतों को धूल चटा दी। महिला कांस्टेबल सरस्वती काले ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। सरस्वती की बहादुरी से खुश होकर शहर के पुलिस कमिश्नर ने 10,000 रूपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महिला ने 3 डॉक्टरों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया। महिला तीनों आरोपी डॉक्टर में से एक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले डॉक्टर ने उसे बस्ती बुलाया, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 2 दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया और महिला के विरोध करने पर उसे मारा पीटा भी गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। झारखंड के सरायकेला में अनशन कार्यालय के सामने मांगों को लेकर अनशन पर बैठे लोगों पर आई आफत। टेंट में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर। अफरा तफरी में ट्रैक्टर के नीचे स्थानीय पत्रकार समेत 6 लोग दब गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोग वहां 21 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। फिलहाल सभी लोगों का इलाज जमशेदपुर के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।